हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कुछ इस तरह का। इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, आपको न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको अपनी वीडियो का टाइटल देना है। यहां पर मैं आपको दिखाने के लिए डेमो का टाइटल दे देता हूं। जिसके बाद आपको अपनी वीडियो का कैनवास साइज़ चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे कैनवास साइज़ देखने को मिल जाते हैं, डिफरेंट टाइप के, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीमियो और टिकटॉक इच का। तो यहाँ पर आप एक YouTube के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर YouTube के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्रिएट मूवी पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्रिएट मूवी पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक वाइट बोर्ड आ जाएगा, जहाँ पर हमें अपनी एनिमेशन तैयार करनी है। अब मैं आपको यहाँ पर इसके डिफरेंट फीचर्स को दिखाऊंगा। जैसे क्लिप आर्ट पर क्लिक करने पर हमें बहुत सारे आर्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर बारी बारी से आपको सारे आर्ट्स को दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से ड्राइंग वाले ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको इतने सारे ड्राइंग्स देखने को मिल जाती हैं। साथ में आपको यहाँ पर शेप्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप टेक्स्ट में लगा सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर लॉटी आर्ट देखने को मिल जाती है, जिसका यूज़ अगर आप अपनी वीडियो में करते हैं तो वो एक प्रोफेशनल लुक देता है आपके एनिमेशन वीडियो को। अब मैं आपको वेदर और सोशल मीडिया वाले ऑप्शन पर दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको कितनी सारी क्लिप आर्ट्स देखने को मिलती हैं, जैसे आप वेदर में देख सकते हैं और सोशल मीडिया में देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें कुछ कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाती हैं, जिसे आप अपनी एनिमेशन वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी वीडियो का एक प्रोफेशनल लुक देती है। इसके अलावा आप अपने क्लिप आर्ट्स को, डाउनलोडेड क्लिप आर्ट्स को फाइल मैनेजर से यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी कलर्स भी चेंज कर सकती हैं एनिमेशन वीडियो की। और इसके अलावा आपको यहाँ पर आइडियो का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप अपनी आइडियो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या फिर वॉइस ओवर भी दे सकते हैं। हैंड्स वाले ऑप्शन में आपको डिफरेंट टाइप के हैंड्स देखने को मिलते हैं, जिसे आप अपने एनिमेशन आर्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे एक वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो तैयार करनी है। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिप आर्ट पर जाकर एक ड्राॅइंग सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद हम इसे सिलेक्ट करने के बाद हमें ऊपर में कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिससे हम क्लिप आर्ट की सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके साइज़ को या ड्यूरेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। इस क्लिप आर्ट को हम अपने वीडियो के रेशियो के हिसाब से अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, जिसके बाद हमें इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। उससे पहले हम यहाँ पर शेप दे देते हैं, जिस पर हम अपनी टेक्स्ट ऐड कर सकें। जैसे हमने यहाँ पर कोई शेप सिलेक्ट कर ली है, जिसके भी साइज़ को आप सेटिंग पर जा करके अच्छे से साइज़ को बढ़ा सकते हैं या फिर इसके ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे भी अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। अब हम अपनी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करते हैं। आप अपने हिसाब से कोई सा भी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाय गाइस करके कोई सा भी टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिलते हैं इसके टेक्स्ट में भी, जहाँ से आपको लाइट, लेफ्ट, राइट और मिडल का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप उस टेक्स्ट को मैनेज कर पाएँ। साथ में आपको यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं और आप अपनी इस टेक्स्ट की साइज़ को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। इसमें आपको कलर का भी ऑप्शन मिलता है, जहां से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें हैंड कैसे यूज़ करना है। आगे जाकर आगे आपको जो ये ऑप्शन दिख रही हैंड वाली, उस पर सिलेक्ट करना है। उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हैंड्स दिखेंगे, जहाँ पर आपको एक हैंड सिलेक्ट करना है। अब आप हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो कैसे बनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। तो आप भी इसी तरह से एक एनिमेशन वीडियो तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेव का, जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यह वीडियो सेव हो जाती है। यहाँ पर आपको यह सिलेक्ट करना होता है, जिसके बाद आपकी एनिमेशन वीडियो सेव हो चुकी है। इस तरह से आप एक एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं इस ऐप की मदद से। तो अगर आपको ये ऐप अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाली घंटी को ऑल पर ज़रूर सेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।